अब मैं आपको पूर्वी राग समझा देना चाहता हूं। इस राग में ऋषभ धैवत ये कोमल है और दो मध्यम है। आरोह में पंचम वर्ज होता है। आरोह में उसको आपको सुनाता हूं। आरोह और मेरे गा मा दा नि सा सा नि दा पा मा गा मा गा रे मा गा ये उसका आरोह आरोह का कायदा है। आप इसमें आपने देखा होगा कि मैंने सा भी वर्ज किया। जब पर की राग में वर्ज होता है तो उसी वक्त सा भी वर्ज करने का प्रभात है। उसी माफक इसमें मैंने सा वर्ज किया हुआ। अब इसमें बात क्या संभालनी पड़ती है, इसके पास पास के राग दो तीन है, जैसे पुरिया घनाशी मारवा शीरा, ये राग जो होते हैं ये हर एक अलग अलग स्वर पर फैलने से होते हैं। स्वर पर फैलेंगे तो श्री राग होता है। सारे ऐसा जो खेलेंगे निष्ठी राग हो जाएगा। अध बामा गा मारे गा रे गा मा बा दा बा मा गा ध बामा गा मारे गा रे गा मा बा मा गा मारे गा, ऐसा जो दिखाएंगे तो पूरी अधनाष्टी होता है। आप इसमें क्या संभालना चाहिए कि रे गा मा बा दा बा मा गा मारे गा रे मा गा रे सा दा बा नि दा बा मा दा नि रे नि दा बा नि दा बा मा दा मा रे गा रे मा गा गा मा दा नि दा बा मा गा मा रे गा रे मा गा मा गा रे सा। अब गवादी होने से उसके साथ संवादी निषाद होता है, तो गंधार और निषाद इस दोनों स्वरों को जोड़ में रखकर उसका विस्तार किया जाता है। वो विस्तार आपको मैं थोड़े में सुनाता हूँ। रे गा मा पा दा पा मा गा मा रे मा गा मा दा नि दा पा रे नि दा पा दा पा मा गा मा रे गा रे मा गा पा मा नि दा पा मा गा मा रे गा रे मा गा रे गा। ये होता। अब इसमें एक सुरावट बजा के आपको दिखाता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कैसा बजाया जाता है।